गैस लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और सिलेंडर पर भी गैस अचानक से ख़त्म हो जाती है। रात का 2 बजे का टाइम होता है और फिर मैंने अचानक सोचा चाय पीने का वक़्त है और चाय बनाना भी ज़रूरी है, तो मेरे पास हीट गन पड़ी हुई थी, हीट गन की मदद से ही मैंने चाय बना दी और आपको भी ये आइडिया दे दिया। मैंने यही वीडियो शार्ट वीडियो के तौर पर मैंने टिकटॉक पर फेसबुक पर मैंने वीडियो दी थी और इसी तरह मैंने चैनल पर भी शार्ट वीडियो के तौर पर दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पे कमेंट्स ये आ रहे थे एक चाय का कप हमें 2000 रुपये में पड़ेगा, 3000 रुपये में पड़ेगा। वो कैसे पड़ेगा मैं आपको आपके सामने चाय बना कर दिखा रहा हूँ। तकरीबन इसने 1.5 से 2 मिनट इसका टम्परेचर, जो दूध का टम्परेचर था वो डाउन किया है इसने, और 2 मिनट के बाद चाय उबलना शुरू हो गई है और 2.5 मिनट तक ये मुकम्मल चाय तैयार हो गई थी। इसमें कितना ज़्यादा खर्चा आ गया होगा, तकरीबन 5 से 10 रुपए मिसाल के तौर पर आपने बिजली इलेक्ट्रिक वर्क जो ये कर रही है हीट गन, 5 से 10 रुपए का खर्चा आ गया होगा। लेकिन ये इमरजेंसी टूल है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये ज़रूरी नहीं है आप हीट गन से ही आप चाय बनाएं, लेकिन कमेंट्स ये आ रहे थे ये 2000 रुपये में पड़ेगी, हम बाज़ार से 50 रुपये में हासिल कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। मैंने तो सिर्फ आपको टिप दी थी कि अगर आपके पास कोई भी ज़रूरत की चीज़ पड़ी हो जिससे आप वक्त निकाल सकते हैं, काम चला सकते हैं, तो वो आइडिया मैं आपको देता हूँ। ये देखें 2 से 2.5 मिनट बाद ये चाय तैयार हो गई है। इमरजेंसी टूल जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं वही मैं आपको सिखाता हूँ और वही दिखा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह के टॉपिक आप तक पहुँचते रहें। आप मिलते हैं कोई नेक्स्ट और टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।